हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक हैं और मेरी क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे पेज नंबर 14 चैप्टर 2 का, और चैप्टर 3 हम लोग रीड करेंगे। तो देखिए, चैप्टर 2 का पेज नंबर 14, यहाँ पे हमें दो फिगर दिया गया है और उसमें बोला गया है क्या कि वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हम सभी को क्या चाहिए? फूड चाहिए। किसके लिए चाहिए? जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। लुक एट द गिवेन पिक्चर एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रोल ऑफ ए फार्मर इन द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज और सिटीज। ये पिक्चर को देखो और बताओ कि फार्मर का क्या रोल होता है, किसमें क्या रोल होता है? इन द लाइफ ऑफ पीपल, जो लोग रहते हैं उनके लाइफ में फार्मर का क्या रोल होता है? जो लोग गांव में रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं, उनका लाइफ में एक फार्मर का क्या रोल होता है? राइट योर व्यूज इन द गिवन स्पेस। तो एक फार्मर क्या करता है? खेती करता है, और वो खेती करता है, उसके खेती करने से ही हमें अनाज मिलता है। हमें उस अनाज से खाना, हम रोटी बनाते हैं, कुछ सब्जी बनाते हैं, सारा कुछ कहाँ से मिलता है हमें? एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर कौन करते हैं? फार्मर्स करते हैं। तो हमेशा हमें फार्मर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पता होना चाहिए और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब फार्मर एग्रीकल्चर करेंगे और खेती करेंगे तभी हमें खाना मिलता है, तो हमेशा हमें फार्मर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आइए हम देखते हैं क्या लिखे हैं फार्मर के बारे में। तो पीपल लिविंग इन विलेज और सिटी गेट फूड फ्रॉम हार्ड वर्क ऑफ फार्मर। जो लोग गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं, वो कहाँ से उनको खाना मिलता है? फ्रॉम द हार्ड वर्क, मतलब बहुत परिश्रम जो फार्मर करते हैं उन्हीं से उनको खाना मिलता है। दे स्पेंड्स डे एंड नाइट टू ग्रो क्रॉप्स फॉर फूड। फार्मर क्या करते हैं? दिन रात काम करके क्रॉप्स उगाते हैं, उससे फिर अनाज आता है, उससे फिर खाना मिलता है हमें। तो आप लोग समझ गए कि कहाँ से हमको खाना मिलता है, कैसे हम खाना खाते हैं, और इसमें फार्मर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या रोल होता है। तो हमेशा हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना आपको खाना है उतना ही खाइए, खाने को वेस्ट नहीं कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा खाना है तो किसी गरीब को दे दीजिए, पर खाने को वेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब चलिए थर्ड में आते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवेन बिलो एंड राइट पैसेज ऑन इट। ये नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है इसको देख के हमें एक पैसेज लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे क्या क्या है। एक तो ये पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर है, और वाटर में ये बच्चे खेल रहे हैं, और ये काव है जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, और कुछ औरतें हैं जो कपड़े धो रहे हैं। किससे धो रहे हैं? वाटर से धो रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या लिखे हैं इसके बारे में। वाटर इज मोस्ट यूजफुल रिसोर्स। वाटर क्या है? सबसे उपयोगी रिसोर्स है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग। हम लोग वाटर का यूज़ कहाँ, किस लिए करते हैं? ड्रिंक करने के लिए करते हैं, क्लीन करने के लिए करते हैं, बात करने के लिए करते हैं, फूड कुक करने के लिए करते हैं। इन दिस पिक्चर किड्स आर टेकिंग बाथ इन द पॉन्ड। इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं? किड्स बात कर रहे हैं पॉन्ड में। काउज आर ड्रिंकिंग वाटर। काउज क्या कर रही है? वाटर ड्रिंक कर रही है। एंड वुमेन आर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स। और औरतें क्या कर रही है? कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से चैप्टर 1 चैप्टर 2 रिमेम्बर कर लीजिएगा और रिवाइज भी कीजिएगा। अब आइए एक नए चैप्टर में, चैप्टर 3। इसका नाम है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। तो हम लोग आज इस चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बाद कल हम लोग इस चैप्टर को फिर से समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेरे साथ रीड कीजिए और फिंगर रखिएगा बुक पर। चैप्टर 3, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट एनी वन। एवरीथिंग क्रिएटेड बाई गॉड इन दिस वर्ल्ड हैज इट्स ओन क्वालिटी। ए टाइगर वॉज डॉजिंग अंडर ए ट्री, ए मॉस्किटो केम बजिंग बाय। द टाइगर सेड, हे मॉस्किटो गो अवे। द मॉस्किटो सेड, Why should I go away? I am not afraid of you. The tiger was angry. It hit out with its paw.
द मॉस्किटो फ्ली ऑफ द पा स्ट्रक इट्स ओन चीक द ब्लो स्क्रैप इट्स चीक इट बिगैन टू ब्लीड द मॉस्किटो बज्ड अवे द टाइगर स्ट्रक विथ इट्स ओन अदर पा द मॉस्किटो फ्ली ऑफ दिस टाइम टू द टाइगर हिट इट सेल्फ द टाइगर वॉज हेल्पलेस द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बज द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर द टाइगर डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे. ठीक है, आप लोग रीड कीजिएगा इस चैप्टर को, उसके बाद कल मैं आप लोग को इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखाऊंगा और आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं. बाय बाय, आप लोग का दिन शुभ हो. थैंक यू सो मच.